वेलकम बैक ऑन माय YouTube चैनल वैष्णवी का माइंड एंड हियर आई एम वैष्णवी दौरिया। सो आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ, सिद्धू मूसेवाला का न्यू सॉन्ग आ चुका है और बहुत लोग बेसब्री से बैठे हैं, उनके फैंस और फॉलोअर्स, इनफैक्ट मेरे सब्सक्राइबर्स भी बहुत लोग हैं जो वेट कर रहे हैं, जो मेरे को कमेंट बॉक्स में बोल रहे हैं कि मैं वेट कर रहा हूँ आपके रिएक्शन देखने के लिए सिद्धू मूसेवाला का जो ओल्ड स्कूल सॉन्ग आया है उस पे। तो भैया आप लोगों ने बहुत ज़्यादा वोटिंग की है, सो ये वोटिंग मैं बाद में वीडियो के एंड में बताऊँगी कितने लोगों ने क्या क्या वोटिंग की है, क्या कहाँ कहाँ वोटिंग की है। सो ये सारी डिटेल्स आपको पूरी मिल जाएंगी वीडियो के एंड में, लेकिन अभी हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये सॉन्ग क्या है और बारीकी से समझते हैं इस सॉन्ग को। लेकिन उससे पहले अगर आपने भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप ऐसे और सॉन्ग्स देखते रहो सिद्धू मूसेवाला के और सॉन्ग्स पे मेरा रिएक्शन वीडियोस। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन वीडियो, स्टार्ट। इसमें सिद्धू मूसेवाला है और ओल्ड स्कूल 1:16 का हो गया, लेकिन जो सिद्धू मूसेवाला वो दिख ही नहीं रहे हैं, बस ओल्ड स्कूल और बस जो भी क्या बोलते हैं खेलना है या फिर लड़की के साथ जो भी फ्लर्टगिरी करनी है वो सब चीज़ें चल रही हैं और मुझे सिद्धू मूसेवाला का बेसब्री से इंतजार है। सो देखते हैं कि उनकी एंट्री कैसे होगी इस सॉन्ग में। सो स्टार्ट करते हैं। ऐसे मेरे जैसे कौन लोग हैं जो सिद्धू मूसेवाला का ये सॉन्ग देखने आए हैं और उन लोगों को अभी 1.5 मिनट हो रहा है, मिले ही नहीं है देखने को। 1 सेकेंड, मुझे लग रहा है कि इसमें सिद्धू मूसेवाला ने सॉन्ग में ही जो भी कुछ है उन्होंने सॉन्ग गाया है, मुझे नहीं लगता कि इस सॉन्ग में सिद्धू मूसेवाला है। सो बता, मैं उतनी देर से देख रही हूँ, मैं वेट कर रही हूँ कि वो मेरे को दिखे, बट वो दिख ही नहीं रहे हैं गाइज। ये क्या है, मतलब ये कैसा सस्पेंस है इस सॉन्ग में। मुझे लग रहा है, मैं अगर गलत हूँ तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि इसमें सिद्धू मूसेवाला का सिर्फ सॉन्ग है, रैप है या सच में ये है। चलो देखते हैं, लेकिन यार क्या मतलब पूरा सॉन्ग ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, 50% तो मैंने देख ही लिया है, लेकिन अभी तक सिद्धू मूसेवाला की एंट्री नहीं हो रही है। क्या है मतलब ये माय गॉड यार, जैसे मुझे तो कोई वो नहीं था कि सच में ये सिद्धू मूसेवाला इस सॉन्ग में होंगे या नहीं, मुझे मैं बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा पा रही थी। मैं बोलती हूँ ना कि आप लोगों के साथ ही सॉन्ग देखती हूँ, सो रियली में यार मुझे लगा कि ये सिद्धू मूसेवाला इस सॉन्ग में नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। सिर्फ पोस्टर मेरे को दिखा तो मुझे लगा ओ माय गॉड ये क्या है, मतलब खोदी पहाड़ निकली चुईया, मतलब मुझे लगा कि सिद्धू मूसेवाला इस सॉन्ग में होंगे, लेकिन उनका सिर्फ पोस्टर दिख रहा है, मतलब ये क्या है। लेकिन नहीं, मैं गलत थी। आप लोगों ने मेरे को कमेंट बॉक्स में बताया कि मैं गलत थी या सही, अगर नहीं तो प्लीज़ कमेंट करो और मेरे को प्लीज़ बताया करो कि मैं गलत हूँ या नहीं, मैं सही बोलती हूँ, मैं बोलती जो हूँ वो प्लीज़ आप बताया करो कि वो चीज़ में जजमेंटल होना मुझे लगता है ठीक है। एनीवे, सिद्धू मूसेवाला की एंट्री हो चुकी है ओल्ड स्कूल सॉन्ग में, सो देखते हैं अब मैं इंजॉय करूँगी इस सॉन्ग को फुल्ली, हमें लगता है आप लोग भी इंजॉय करोगे। सो चलो देखते हैं क्या है यार, मतलब मजा आ गया सॉन्ग में। ओल्ड स्कूल सिद्धू मूसेवाला, ओके मजा आ गया यार। ये था ओल्ड स्कूल सिद्धू मूसेवाला का न्यू सॉन्ग 2020 में, फर्स्ट सॉन्ग आई थिंक ये आया है सिद्धू मूसेवाला का, मुझे जहाँ तक पता है, ज़्यादा मैं जानकारी नहीं रख पा रही हूँ। सो प्लीज़ मेरे को बताना, वैसे मुझे लगता है कि ये इनका फर्स्ट ही सॉन्ग है। प्रेम ढिल्लन, सिद्धू मूसेवाला, रैप नसीब, ये जो सॉन्ग था सिद्धू मूसेवाला का ये मुझे अच्छा लगा, बट इसमें सस्पेंस कुछ ज़्यादा था मुझे जहाँ तक लगता है कि कि यार मुझे लगा कि इसमें सिद्धू मूसेवाला होंगे ही नहीं, बट फाइनली बड़ी मुश्किल से बड़ी शिद्दत से मैं इनको देख पाई। मुझे मैं मतलब कहने मतलब ये है कि जितने भी सिद्धू मूसेवाला के फैंस हैं वो मोस्टली सिद्धू मूसेवाला का को देखने के लिए आए थे, मैं खुद इनका सॉन्ग देखने आई, मुझे लगा कि शायद उन्होंने सॉन्ग किया है, रैप किया है, मतलब सॉन्ग में रैपिंग की है, लेकिन उन्होंने ये सॉन्ग वीडियो में नहीं है, बट मैं टोटली रॉन्ग थी जब मैंने देखा, क्योंकि अब पूरा वीडियो ही खत्म हो गया और सिद्धू मूसेवाला नहीं दिख रहा, उनके जो फैंस हैं उनके जो फॉलोअर्स हैं वो उनको देखने के लिए सॉन्ग पे आए हैं, लाइक मी, मैं खुद आई हूँ उनको देखने के लिए, और वो अगर नहीं देखने को मिलेंगे तो यार थोड़ा तो इरिटेशन और थोड़ा तो यार गुस्सा आएगी ना, एंग्री बर्ड तो बनी जाऊंगी मैं। एनीवे, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये सॉन्ग और
इस सॉन्ग कि स्टोरी में ज्यादा समझ नहीं पाई, मेरे को कुछ समझ नहीं आया. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये स्टोरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आई. मतलब क्या ये सॉन्ग, क्या ये डिलीवर करने वाला था इस सॉन्ग में, क्या स्टोरी है, मुझे रियली में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि एग्जैक्टली है क्या स्टोरी. बट यहाँ मैंने इंजॉय किया है ये पूरा सॉन्ग. हाँ, ज़्यादा मुझे लगता है कि ये सॉन्ग में ओल्ड मेमोरीज, ओल्ड लाइक कुछ इस सॉन्ग में मतलब प्रेजेंट किया गया है. सो या दैट्स इट, ये था आज का रिएक्शन वीडियो जो कि काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्टेड और डिमांडिंग वाला था, क्योंकि मैंने पूल करके भी क्वेश्चन पूछा था ना आप लोगों ने, बहुत लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूल में भी वोटिंग की, कमेंट में भी बताया कि प्लीज़ सिद्धू मूसेवाला का जो न्यू सॉन्ग आया ओल्ड स्कूल, उस सॉन्ग के ऊपर आप रिएक्ट करो. मैंने स्टोरी में भी डाला था, यूट्यूब की स्टोरीज अगर नहीं वॉच की है, कम्युनिटी में पूछा था, मैंने बहुत जगह पूछा. अमित भड़ाना का वीडियो आ चुका है तो मैंने बोला कि आप चार ऑप्शंस दिए थे मैंने कि इनमें से आपको कौन सा वीडियो देखना है, तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट और वोटिंग सिद्धू मूसेवाला के सॉन्ग के लिए दी. सो इसलिए यही सॉन्ग मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ. नेक्स्ट आपको कौन सा देखना है वो भी आपकी वोटिंग्स और आपकी कमेंट्स ही डिसाइड करेंगे, मैं डिसाइड बिल्कुल भी नहीं करूँगी. सो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स पे फोकस करो, कमेंट करो आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना है. ये वीडियो पसंद आया, एंजॉय किया, देन हिट लाइक बटन. लाइक के साथ साथ अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अगर अभी तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना. एनीवे मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू.